हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही भल्लों की रेसिपी और कुछ ऐसे टिप्स के साथ जो कि आपके दही भल्लों को बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना देगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी उड़द दाल और इसे मैंने 3 घंटों के लिए भिगो के रखी है। ओवरनाइट या ज़्यादा देर तक नहीं भिगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा देर तक भिगाएंगे तो फिर हम जब दही भल्लों को तलेंगे उस वक्त तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो, तो इसलिए सिर्फ 3 घंटों के लिए ही मैंने इसे यहाँ पे भिगो के रखी हुई है। तो अभी मैं इसे का पानी पूरा छान लूँगी, ये देखिए। और अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें करना है इसका। तो इसमें मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च का यूज़ किया है। और ये डाल दूँगी मैं 1/2 चम्मच जीरा, आप चाहे तो जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक साथ मैं अभी पीसूंगी इसे। तो ये भी सब अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पूरा फाइन पेस्ट कर लिया है और ज़्यादा पानी का यूज़ भी नहीं किया है इसमें। तो अभी इसे सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि इसमें मैं कोई सोडा वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ हाथ से ऐसे ही फेंटेंगे। कोई इनो या सोडा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ फेंटना है 10 से 15 मिनट तक। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे, फ्लफी करेंगे, उतने ही अच्छे आपके दही भल्ले रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, पहले का बैटर और अभी का बैटर में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा फूल चुका है। और इस बैटर को देखिए, मैं अभी उठा के दिखाऊँगी आपको, तो ये अपने आप नहीं गिरेगा जब तक कि मैं इसे खुद से ना गिराऊँ। ये देखिए, जब मैंने इसे गिराया तभी ये गिरा। इतना हमें फ्लफी करना है, अच्छे से फेंटना है, सॉफ्ट और स्पंजी दही भल्ले खाने का राज यही है। तो चलिए अभी इसे फ्राई करेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और यहाँ पे 2 ग्लास पानी गरम किया है। और पानी में मैंने नमक डाला था और दही भल्ले फेंटते समय भी मैंने उसमें नमक डाला था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप भी। तो अभी एक एक करके इस तरह से हम तल लेंगे पूरा अच्छे से, एक एक करके अच्छे, जैसे आपको शेप चाहिए वैसे आप दे सकते हैं। पर इसमें ज़्यादा तो शेप जो होता है सिर्फ राउंड ही आता है और यही से ही बनाने में इजी जाता है ये। देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये कैसे बने। तो अभी मैं इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इसे तले तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल भी ज़रूर डालें, ताकि जो दही भल्ले हैं अच्छे से फ्लफी हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम हर इस पर तेल डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली थोड़ी देर के बाद चलाना है, ताकि पूरी चारों ओर से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, इसका कलर अभी चेंज हो चुका है, अच्छे से फ्राई होने को है ये। अभी दही भल्ले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने एक प्लेट में निकाल लूँगी। और जो गरम पानी किया था तो उसमें भी अभी मैं डाल दूंगी, और वो गरम पानी में मैंने नमक भी डाला था। ये देखिए, अभी मैं सबको इसमें डिप करने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। और यहाँ पे तब तक के हम बनाएंगे चटनी हमारी। तो दही में मैंने शक्कर डाल के अच्छे से उसे फेंट दिया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे क्रीमी हमें दही चाहिए, गाढ़ी दही हो तो अच्छी बात है। तो अभी मैं करूँगी प्लेटिंग। तो ये देखिए, मैंने एक इसमें इसे निकाल लिया है और इस तरह से पानी निकाल के, ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा पानी निकालना है। और अभी उस पर डालेंगे हम सबसे पहले दही, डाल दी है मैंने दही। जितनी चटनी आपको अच्छी लगती है उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। और अभी मैं डाल दूंगी इस पर हरी चटनी। तो अभी मैं डाल दूंगी इस पर इमली की चटनी, आप चाहें तो टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इमली की चटनी पसंद नहीं है तो।
और अभी डाल दूंगी मैं बारीक नायलॉन सेव। तो बिल्कुल रेडी है हमारी रेसिपी दही भल्लों की। ये बहुत ही सॉफ्ट और काफ़ी स्पंजी बने हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं और काफ़ी स्पंजी, चम्मच में आते ही पता चल रहा होगा आपको। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।